गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू गुलमर्ग। जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। एंड हमारा आज का स्टे ना ही कोई होटल में ना ही कोई रिजॉर्ट में है, आज हम कॉटेज में रुकने वाले हैं, गुलमर्ग वुड्स। सो गाइस, वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स गुलमर्ग अलोंग विद दिस ब्यूटी। सो हमारा आज का सीन कुछ ऐसा सा है कि अभी हम अपना लगेज अपने कॉटेज पर ड्रॉप करके गोंडोला राइड पर निकल जाएंगे। फेज़ वन फेज़ टू हमारा दोनों बुक्ड है। एंड वहाँ का सीन कुछ ऐसा रहता है कि वहाँ पर प्रॉपर टाइमिंग फॉलो होते हैं। एंड 5 बजे से पहले आप लोगों को दोनों फेज़ वन फेज़ टू एक्सप्लोर करके वहाँ कैन यू बिलीव दिस इज़ नॉट स्विट्ज़रलैंड, ये हमारे इंडिया का ही गुलमर्ग है। यार व्यूज़ देखो यार, क्या व्यूज़ है यार, मस्त मज़ा आ गया यार इसे देख के। तो लिटरली ये स्विट्ज़रलैंड वाली फील दे रहा है। व्यूज़ हैं यार, मुझे सही में ऐसी फील आ रही है मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, नॉट इन इंडिया। गाइस ये तो जस्ट अभी हमारे कॉटेज का वे है। कैन यू बिलीव वी आर नाउ गोइंग टू एक्सप्लोर एशिया सेकेंड हाईएस्ट केबल कार। मतलब हम 14,000 फीट की हाइट पर होंगे जोजिला पास से भी ऊपर। गाइस अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे स्विट्ज़रलैंड घूमना हो ना, तो यहाँ कश्मीर में गुलमर्ग ज़रूर आना, बिकॉज यहाँ के व्यूज़ देख के आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। यहाँ पे करने के लिए तो बहुत कुछ है, आप तनमर वगैरह घूम सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है करने के लिए। आई थिंक 2 डेज़ आर सफिशेंट फॉर गुलमर्ग, बिकॉज आपको पूरा 1 डे तो गोंडोला राइड में ही जाएगा। सो गाइज वी आर नाउ फाइनली इन गुलमर्ग एंड हमारा कॉटेज यहाँ से लेफ्ट साइड में है। अभी तो आपको राइट साइड दिखा रही हूँ बिकॉज मैं बैठी हुई इसी साइड हूँ। एंड अभी हम लेट हो रहे हैं, हमें गोंडोला राइड के लिए जाना है। एंड वो मैं आपको शाम को आके दिखाऊंगी जब हम वापस आएंगे राइड करके। गाइस ये कोई होटल नहीं है, यहाँ से केबल कार के लिए मतलब क्यू लगती है एंड यहीं से हमें जाना होता है। फर्स्ट फेज हमारा यहीं से स्टार्ट है। ये देखो गाइस, वहाँ अंदर से केबल कार में बैठ के जाना होता है। एंड ये देखो क्यू पूरी ऐसे लगी हुई है, पूरा राउंड करके हमें ऐसे आना है, फिर हम वहाँ पर एंट्री करेंगे। तो गाइस हम फाइनली अपनी केबल कार में बैठ गए हैं। वहाँ नीचे से बहुत जल्दी जल्दी चढ़ना पड़ रहा था बिकॉज ये बहुत ही कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसलिए वो थोड़ा पार्ट शूट नहीं हो पाया। अब ये देखो व्यू, अब हम सारे बैठे हुए हैं। गाइस वो जो सामने नीचे ग्रीन हट है ना, वहीं से अभी आ रहे हैं अपनी केबल कार लेके। अभी हम जस्ट फेज़ वन पर ही जा रहे हैं, फेज़ वन को हम बोलते हैं कॉन्डोगरी। सब अपने अपने फ़ोन से व्यू लेने में बिजी हैं। और यहाँ देखो, यहाँ तो कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है। ये देखो गाइज हम नीचे से अब काफ़ी कितनी ऊपर आ गए हैं, मज़ा तो आ रहा है, थ्रिल एडवेंचर सब एक साथ मिल रहा है यहाँ पे। एक तो बस हम 5 ही हैं और ऊपर से इस केबल कार में कोई एग्जिट भी नहीं है, वैसे नीचे का व्यू भी काफ़ी सही है। काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं गाइस हम नीचे से। ये देखो, ये जो अभी केबल कार गई है तो ऊपर से वापस आ रही थी। क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया। लेकिन एक सच सच बात बताऊँ, डर भी बहुत लग रहा है इसमें। बस व्यूज़ पे फोकस करो, डर तो वैसे ही निकल जाता है। गाइस अब जैसे जैसे हमारा ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता जा रहा है ना,
ठंड बढ़ती जा रही है वैसे ही, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस जो नीचे है ना हमारे, वहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है एंड ये नीचे का व्यू देख के तो भाई चिल वाइब्स। बाकी व्यूज देखो कितने सही है। ये देखो गाइस, ये जो सामने पीक्स है ना, ये कोंगडोगरी हिल्स हैं ये। एंड ये देखो अभी हम फेज़ वन पे पहुंचने वाले हैं। नीचे देखो ये फेज़ वन ही आ गया ये अपना, बस अब हमें बस उतरना है यहाँ से। सारी केबल कार यहाँ पे फेज़ वन पे आके रुक गए हैं, अब हमें यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी फेज़ टू के लिए। सो गाइस, ये आ गया हमारा अब कोंगडोगरी, मतलब फेज़ वन आ गया है। यहाँ पर आप यहाँ से नीचे जाके आप सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। हम तो करेंगे नहीं, हम सीधा लाइन में लग के यहाँ से फेज़ टू के लिए निकलेंगे बिकॉज बहुत लेट हो गए हैं। ये फेज़ वन है गाइस, ये देखो आप यहाँ पे ये सारा घूम सकते हो नीचे। एंड ये देखो ये फेज़ टू के लिए क्यू है गाइस। ये देखो ये हमारा फेज़ वन है कोंगडोगरी पीक। एंड ये देखो वहाँ नीचे आप जो ग्रीन एरिया ना, वहाँ पर आप घूम सकते हो। एंड ये अभी हम क्यू में लगे हुए हैं फेज़ टू जाने के लिए। वहाँ देखो वो माउंटेन दिख रहा है आपको पीछे, उसके पीछे आफवत पीक है जो मैंने बताया था ना आपको 14,000 feet, वो वहीं जाके मिलेगी। गाइज यहाँ का वेदर ना बहुत चेंज होता जा रहा है, ठंडी हवा चलने लग गई है बिकॉज ऊपर आफवत पीक का इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। सी यहाँ पे ये सिस्टम चलता है, एक केबल यहाँ पे जा रही है आफवत पीक के लिए और एक वापस आ रही है वहाँ से। हवा कितनी तेज़ है गाइज, वो तो आपको सुनाई दे रहा होगा। सी गाइज यहाँ पे देखो कितने डार्क क्लाउड्स हैं, इसका मतलब ये है कि ऊपर आफवत पीक पे ना वेदर ख़राब हो चुका है। इसलिए अभी पता है यहाँ पे भी अनाउंसमेंट चल रही थी कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही टूरिस्ट को भेजेंगे ऊपर, फिर यहाँ पे बंद कर देंगे भेजना बिकॉज वेदर बहुत ख़राब होता जा रहा है। वो देखो यहाँ पता नहीं लग रहा लेकिन ऊपर जाके बहुत पता लगेगा अभी। सी गाइज यहाँ से फेज़ टू के लिए राइड जाएगी, अभी हम भी यहीं से जाएंगे। जो 14,000 feet बताया था ना मैंने आपको, वो यहीं से जाएगा, हम पूरा क्रॉस करके जाएंगे इसको पूरा ऊपर तक। एंड देखो वेदर बहुत ख़राब होने लग रहा है। एंड देखो अभी तक हम आप टी शर्ट में थे, अब हम जैकेट में आ गए हैं। यहाँ पे आपको जो जितने भी लोग दिखेंगे ना, देखो सब जैकेट में होंगे, जैकेट कैप्स वगैरह वूलन्स में ऑलमोस्ट। गाइस ये व्यूज़ ना अच्छे से इन्जॉय कर लो, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे गुलमर्ग के अलावा, नॉट इवन हिमाचल, नॉट इवन उत्तराखंड। गाइस यहाँ पे ना एक चीज़ है, फेज़ वन का टिकट आपको 740 में मिलेगा एंड फेज़ टू का टिकट जो है आपको फ्रोज पिक वाला वो आपको 950 में मिल जाएगा पर पर्सन। गाइस अब हमारी सबसे ख़तरनाक जर्नी स्टार्ट हो गई है, फाइनली इट्स फेज़ टू 14,000 feet। एंड नीचे पता है एक वार्निंग भी लिखी हुई थी कि यहाँ पे मतलब जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, अस्थमा पेशेंट्स हैं, वो अलाउड नहीं है। आप खुद ही सोच सकते हो फिर तो, फिर क्या ही हाइट है यहाँ पे, खतरनाक। अब हम आफवत पीक पे जा रहे हैं गाइस एंड नीचे व्यूज़ देखो। अभी ऊपर पहुँच के तभी और ख़तरनाक मिलेंगे, लेकिन अभी तो थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है यहाँ पे। एंड मेन चीज़, अगर आपके पास वूलन नहीं है ना तो प्लीज़ यहाँ पे मत आना, ठंड में मर जाओगे वरना। इतनी ठंडी हवा है भाई, पता नहीं कहाँ से आ रही है हवा। लिटरली इतनी हाइट है ना यहाँ पे, अभी नीचे और पीछे दोनों जगह देखने में इतना डर लग रहा है ना। हम सब ने तो देखो अपना माइंड डाइवर्ट कर रखा है वीडियो बनाने के लिए, मैं तो पीछे देख भी नहीं रही इसलिए। ये देखो क्या आवाज़ आ रही है हवा की। गाइज इट्स नॉट ईजी टू ट्रैवल अलोन 14,000 feet।
मतलब आपके साथ कोई गाइड भी नहीं है, कोई हेल्पर भी नहीं है, एंड आप अकेले ही हो बस अपनी फैमिली के साथ, एंड इतनी हाइट पे। ये देखो गाइस सबके डरे हुए चेहरे सब ऐसे शॉक में है ना, बिकॉज हमें पता है हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी। खतरनाक। अगर किसी इंसान को डर लगता हो ना हाइट से, हाइट फोबिया हो, उसको तो यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम नीचे नहीं देख सकते, पीछे नहीं देख सकते, आगे नहीं देख सकते, इतने खतरनाक व्यू है। दो तीन मिनट, पांच मिनट, एक दूसरे को देखते रहो बस बैठे बैठे। नीचे क्यों देख रहे हो, सामने नहीं देख सकते? हमारे रुकी है, किसी और की रुकी है, सब की रुकी है। पापा मैं तो करी, पापा है, अक्कू है, एक कप चलेगी ये खुल। गाइस अभी पता है कि इतनी इंटेंस सिचुएशन चल रही है, हमारी केवल कार ना यहाँ पे अटक गई है ना, ये अभी आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, पता नहीं, या तो इन्होंने पीछे से रोक दिया बिकॉज ऊपर वेदर बहुत ख़राब है इसलिए, एंड हवा का प्रेशर बहुत है इन्होंने इसलिए अभी चला नहीं रहे हैं, एंड हम एकदम बीच में हैं, अभी नीचे एकदम खाई है और कोई हेल्प के लिए है भी नहीं यहाँ पे, कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है, बस बैठे रहो यहाँ पे। सो गाइस फाइनली वो आधा घंटा वेट करने के बाद हम फाइनली मूव कर रहे हैं, एंड पता है इवन इतनी फट रही है ना, मेरे पता है रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं कर रहा था अभी, वो तो मेरे को बस चाहिए था रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने इसलिए फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। सो गाइज वी आर फाइनली रीच टू फेज टू, एंड दिस इज अफरवत पीक, जो मैंने आपको बताया था 14,000 फीट वाली हाइट, वो यहीं पर है, मतलब हम जो इतना थ्रिल और एडवेंचर करके आए हैं ना, ये वही जगह है। एंड ये पीछे क्लाउड्स देखो, कितने हैवी क्लाउड्स एंड डार्क क्लाउड्स, ये गुजरात में जो साइक्लोन है ना पिपर जो है, उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर वेदर ख़राब है। ये देखो सारा, सब ने इन्जॉयमेंट अपनी बंद कर दी, सब बस अब क्यू में लग गए हैं वापस जाने के लिए, बिकॉज वेदर ख़राब हो रहा है यहाँ पे, एमरजेंसी के लिए कुछ है भी नहीं। चेक आउट द व्यू, सो अमेजिंग, इट्स फुल ऑफ थ्रिल एंड एडवेंचर्स। कितने डार्क क्लाउड्स हैं यार, कितने हैवी डार्क क्लाउड्स हैं, सीरियसली वेदर ना यहाँ पे बहुत ख़राब होता जा रहा है, एंड जिसके पास यहाँ पे जैकेट नहीं है ना उसकी हालत तो सही में बहुत ख़राब है यहाँ पे, एंड आपको पता है यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हो हेल्प के लिए। हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन आर्मी यार, वो लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं। गाइज आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी मैं, कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना गुलमर्ग फेज टू अफरवत पीक, तो प्लीज़ अपने एम्बुलेंस अपने साथ लेकर आना, यहाँ पे बिना उसके कुछ नहीं हो सकता, एंड जिस किसी को भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज़ वो यहाँ पे आना ही मत, अवॉइड करना इस प्लेस को, कार्डियक पेशेंट्स एंड अस्थमा पेशेंट्स बोथ, ये जगह उनके लिए बिल्कुल नहीं है। गाइज अगर आप यहाँ अफरवत पीक आ रहे हो ना तो प्लीज़ अपने रिस्क पर ही आना, बाकी मैं तो ये कहूँगी कि वंस इन अ लाइफ टाइम सबको ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए ऐसा एडवेंचर, मतलब काफ़ी थ्रिल है। बाकी यहाँ का वेदर वगैरह देखो, एंड जो ये ग्रीन ग्रीन सा हाउस बना हुआ था ना, यहीं पे हमें अपनी केबल कार मिलेगी, यहाँ भी अंदर क्यों है शायद। गाइस हमें तो पता भी नहीं था कि अफरवत पीक कैसा होगा, सीरियसली यहाँ तो एवलॉन जैसी सिचुएशन हो रखी है, इतनी खतरनाक, साइक्लोन का इफेक्ट इतना बुरा है ना यहाँ पे अभी इस टाइम, हम तो सोच रहे हैं कि जल्दी से क्यू आगे बढ़े तो हम यहाँ से वापस जाएं, एंड आपको पता है इमरजेंसी में मैगी वगैरह किसी को लेनी हो तो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं 500 रुपीज़, जो हम 12 रुपीज़ का पैकेट खाते हैं उसका 500। गाइस ये जो वाइट स्नो है ना इधर इधर ही, वो ग्रीन ग्रीन सा जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, वो आर्मी का बेस कैंप यार। वैसे एक बात सोचने वाली है, 14,000 फीट तक ये केबल कार कंस्ट्रक्ट करना, मतलब ये सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लगाना कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, वो भी मतलब ऐसी जगह पे कि हम यहाँ पे आसपास कुछ है भी नहीं, गिरोगे तो कहीं जाओगे तुम। ठंड लग गई गाइस,
सही में खतरों के खिलाड़ी वाला काम कर दिया, स्लिप ऑफ टंग भी हो रही है, फंबल हो रहा है, इतनी ठंड लग रही है। सो एडवेंचरस, मज़ा आ गया। ये देखो गाइस कितनी स्नो है, अभी हम वो डेंजर जोन एक्सप्लोर करके आ रहे हैं एंड हम वापस यहाँ से नीचे जा रहे हैं केबल कार के थ्रू ही। ऊपर तो कोई मतलब कोई मैनेजिंग करने वाला ही नहीं था, अब खुद ही हमें अपने आप बोल लेनी थी केबल कार और खुद ही आ जाओ, बिकॉज वेदर बहुत ख़राब हो चुका है तो ऊपर भी कोई रुक नहीं रहा है। अब व्यू देखो, यहाँ नहीं था वो, जहाँ रुकी थी वहाँ पे था वो, उधर उधर वो होगा, वो माउंटेनियर होता है ना कुछ, ये माउंटेनियर वो मनाली में नहीं देखा, सिर्फ बता रहा था कि हम तो माउंटेनियर है। रोहतांग में मेरी तबीयत खराब हुई थी, हाँ, जिसके हम मैगी वगैरह खाते थे, अरे यार ये तो फिर रुक गई, अब नहीं रुकनी चाहिए यार, ये तो पहले ही मौसम खराब हो रहा है। सीरियसली गाइस अभी हम जो ऊपर एक्सप्लोर करके आए ना वो देख के ऐसी फील आ रही है कि आज फाइनली माउंट एवरेस्ट हमने क्लाइम कर ही लिया है। इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था ना, वो तो आधा मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ठंड थी, पॉकेट से हाथ बाहर नहीं निकल रहे थे, बट जितना करा उतना तो मैंने कर ही लिया है जो आपको दिखाया है। गाइज इट वॉज -10 degrees Celsius जो भी हमने ऊपर एक्सप्लोर करा है। यहाँ आने के लिए ना सही में बहुत हिम्मत चाहिए बिकॉज 14,000 feet तक अकेले केबल कार में आना, इट्स नॉट ईजी। हमें पता है हमने क्या एक्सपीरियंस करा है बिकॉज इसमें ना कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है। मुझे पता है इतनी शिवरिंग हो रही है ना अब बिकॉज खड़े खड़े इतनी हवा लग रही थी ना वहाँ, इतनी ठंडी अंदर ही घुस गई है बॉडी में पूरी। एंड नीचे भी देखो मौसम ख़राब है, मतलब बारिश हो रही है वहाँ नीचे भी। ऊपर तो भाई लोगों की नीड्स का ना ज़बरदस्त बेनिफिट लिया जा रहा है, मैगी 500 की, कॉफ़ी 250 की, मतलब ऐसे ऐसे प्राइसेस रखे हुए हैं कि मतलब सबको नीड है तो सब लेंगे ऑब्वियसली, चाहे कितने का भी प्राइस टैग लगा हो उस पर, बिकॉज वहाँ पे बिना कॉफ़ी टी के कुछ हो ही नहीं रहा था, इतनी ठंड थी। एंड अगर किसी को कुछ खाना भी है तो मैगी है वहाँ पे ऑप्शन एंड सैंडविचेस वगैरह हैं जिनका रेट भी यही था 500। पीक से बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस था, ये लाइफ में फर्स्ट टाइम ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है मैंने आज, सही में बहुत खतरनाक था। हम फाइनली फेज टू से वापस आ गए हैं, अब हम फेज वन से वापस अपने नीचे जा रहे हैं ग्राउंड पे अपने रिजॉर्ट। फेज वन से भी नीचे केबल कार जाएगी। इसकी स्पीड ज्यादा है उससे, वो हाइट पे बहुत है ना, वो उसमें हवा भी तो देखो ना कितनी तेज चल रही है, और दूसरा हाँ हाइट पे है ना, हाँ। सेकंडली क्या ये थोड़ा नजदीक है, वो तो ऐसे जब वो तो भाई दूर, वो जैसे वो घोड़े तक तक जाते हैं ना ऊपर वाला बड़ा डेंजर था, हाँ। डेंजर प्लस सब और सब बोल रहे सब परेशान थे, कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे अच्छा लगा है। ये चला गाली वगैरह कह रहा, गाली फट गई थी वहां पीछे खड़ी रुक गई, एक बार तो ऐसा लग रहा था कल तक कर दिया। तो देखो जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे जो हमसे पहले गए थे, दो बच्चे पता थोड़ी ना उनको, बच्चों को क्या पता बेचारों को, बच्चों को जैकेट के अंदर ले लेके जा रहे थे। मैंने तो वहां का देखा, मैंने कहा ना लाइफ में लग जाओ, जब चला जा रही है कुछ उस बर्फ के ऊपर चल सकते हैं, कुछ हो नहीं सकता, क्या करोगे, उसमें से उतरना नहीं था वो प्लस नहीं होना चाहिए। एक बार जो कर लेगा भाई किसी को एडवाइस मत करना, मैं तो करूंगी नहीं किसी को, इसके लिए सेकंड के लिए फर्स्ट करके आ जाओ बस, जिसको मना करे वो कहेगा अच्छा अच्छा तो घूम जाए अपने, तो फिर जबरदस्ती जाओ तो देख लो फिर, हमारी बात नहीं मानने चले जाओ, चले आना लेकिन पूरे बैग बैग होके जाना, हां पूरी जैकेट पहन के ऊपर के। गाइस देखो गुलमर्ग का मौसम क्या बढ़िया बिगड़ा हुआ है, खतरनाक मौसम हो रहा है आज यहां।
बात सुन। अरे इधर से आए थे यार, इनसे पूछा था ना, उन्होंने कहा आगे है। ये देखो गाइस, अबे यार बिगड़ा हुआ मौसम और हम क्या मस्त एडवेंचर करके आए थे। मेरी नोज ब्लॉक हो गई है। यहाँ से आए, ये देखो गाइस, हम अपने होटल तक अब ट्रैक करके जा रहे हैं इतनी बारिश में। सो गाइस, अब हम वापस आ गए हैं अपने कॉटेज पे, अब जाके थोड़ी चाय पियेंगे। सच में बहुत क्रेजी थे। एक टाइम पर तो गाइस ऐसा लगा था पता नहीं अब क्या ही होगा, हम ऐसे पॉइंट पर अटक गए थे। इट्स वेरी डेंजर, सियाचिन ग्लेशियर के जितना ही खतरनाक था ये वाला अफरवत पीक। ये देखो गाइस, ये है हमारा रिजॉर्ट गुलमर्ग कोट्स। क्या रिजॉर्ट है, क्या हालत हो गई है सच में। मुझे कल थजीवस ग्लेशियर में ही थोड़ा जुकाम हो गया था, आज यहाँ पर्वत पीक पे जाके वो ऑडिबल हो गया। दिस इज आवर कबर्ड, दिस इज बाथरूम, क्वाइट गुड। ये पूरा कॉटेज अपना है, एक रूम ये है, दिस इज द डाइनिंग हॉल टाइप, दिस इज आवर रूम, सेकंड रूम। ये है इलेक्ट्रिक बेड, ये बुखारी आपको हर जगह मिल जाएगी यहाँ के रिजॉर्ट्स में, बिकॉज यहाँ का वेदर ही ऐसा है ना ठंडा, स्पेशली कश्मीर में तो ये आपको मिल जाएगी। गाइज, ये है आज के एडवेंचर के बाद का लुक, सी शक्ल कैसी हो गई है सही में इतनी ठंड में। बाहर कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, एकदम ठंडा वेदर, एंड अभी हम जो ऊपर से एक्सपीरियंस करके आए ना उसकी ठंड डबल। मज़ा आ गया, सो मच फन, एडवेंचर, थ्रिल, सब एक साथ मिल गया आज तो। गुलमर्ग सच एन अमेजिंग प्लेस, यहाँ आना तो एक बार बनता है यार लाइफ में, स्पेशली अफरवत पीक। ये नाइट व्यू है हमारे कॉटेज का, ये तो डाइनिंग एरिया है जहाँ अभी हम डिनर करके आए हैं, एंड ये हमारे कॉटेज के बाहर का नाइट लुक है सारा, ये देखो। एंड ये वाली जो कॉटेज है ना, ये वाली कॉटेज अपनी है जिसमें हमारा स्टे है। आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर स्टेकेशन, एंड ये वुडन स्टेप्स मुझे सबसे ज़्यादा मस्त लगते हैं। सो गाइज, आज का डे बहुत इंटरेस्टिंग था, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।